Hello students, welcome to our YouTube channel Science Word once again. So in this video, the topic is related with classical mechanics. We will discuss about Lagrangian dynamics, and later on we will discuss about Hamiltonian and its canonical equation of motion. And in this video, we will also discuss about Lagrangian dynamics and equation of motion for Lagrangian dynamics, and we will do some problems related to your Lagrangian and uh, this. क्वेश्चन कम इन टू योर एग्जाम्स लाइक आई आई टी जैम एंड सी आर नेट सो लेट स्टार्ट वीडियो, सो वॉट इज लेगरेंजियन इन क्लासिकलैनिक है और एक होता है पोटेंशियल एंड द टोटल एनर्जी इज गिवेन एज सम्यूशन ऑफ दिस एंड इन इन क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वान्ट मैकेनिकोनियन नॉट सिमिलरली फॉर लेगरेंजियन देर इज देर इज अ टर्म लेगरेंजियन विच इज द जस्ट difference of kinetic energy and potential energy that can be written as l is difference of t minus v how this come i will prove it but uh, let us suppose that lagrangian in a phase is function of qi p and t where qi is position coordinate generalized position coordinate and pi is a generalized momenta generalized momenta coordinate now अब हम लोग देखते हैं कि यहां पे एल इजल टू टी माइनस वी पहले कैसे आता है ये तो हम लोगों को पता है कि एल इजल टू टी माइनस वी होता है लेकिन हम लोगों ने मानता है लेकिन हम लोगों को कुछ इससे अच्छी चीजें मिलती हैं जैसे कि अगर मैं मानता हूं कि एक बॉल है मैं उसको हवा में से ड्रॉप करता हूं कुछ हाइट से कुछ हाइट से अगर मैं इसको ड्रॉप करता हूं तो इस जमीन पे आएगा इसको अट्रैक्ट करेगी इससे एंजी मास मास इनटू एक्सलरेशन अब देखिए इस जो बॉल नीचे आएगी

एक्स के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट करता हूं वर्ट विल आई गेट डेल एल अपॉन डेल एक्स वर्ट विल आई गेट इसमें कोई एक्स का टर्म तो है नहीं x का टर्म है एक्स की बात कर रहा हूं x डॉट की नहीं मैं बात कर रहा हूं अभी मैं यहां पे x की बात कर रहा हूं तो हम लोगों को मिलेगा माइनस ऑफ एनजी माइनस ऑफ एनजी रिमेंबर दिस इक्वेशन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन आप लोगों को इससे क्या पता चलेगा ये मैं अभी बताता हूं दो तो सेकंड के लिए बट अगर मैं इसको x डॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं डेल एल बाई

तो हम लोगों को मिलेगा कि जो डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट आया वो हम लोगों का आया हम लोगों का आया था एम एक्स डॉट दिस इज इक्वेशन टू नाउ अगर मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो हम लोगों को मिलेगा कि जो लग का हम लोगों का क्यू डॉट क्यू आई डॉट अगर आप क्यू आई डॉट भी कहीं देख सकते हैं तो वो भी गलत नहीं है तो वो होता है पी आई पी आई या फिर पी कह सकते हैं आप दिस इज जनरलाइज्ड फॉर्मूला जो आप लोगों को रिमेंबर रखना याद रखना है क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा आगे आने वाले इस क्वेश्चन में लगाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा अब मुझे फर्स्ट और सेकंड से दो चीजें पता चलेंगी कैसे दो चीजें पता चलेंगी मैं इन दोनों को इक्वेशन को यूज करके आई विल डिराइव द लेगरेजियन इक्वेशन ऑफ मोशन हाउ विल आई डिराइव द लगरेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन आई एम राइटिंग इक्वेशन वन रिमूविंग फ्रॉम हेयर आई एम राइटिंग इट एज हेयर अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन जी आई एम राइटिंग दिस एज इक्वेशन वन नाउ

और समझ में आ गया होगा अब हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना चाहते हैं अगर आप देखोगे सॉल्व करोगे डेल ऑफ इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपको इवेंचुअली माइनस करने के बाद यही मिलेगा क्योंकि डी बाई डी टी इस पे सिर्फ एक्ट करेगा एक्स डबल डॉट हो जाएगा एक्स डबल डॉट क्या है नथिंग बट माइनस ऑफ ए माइनस ऑफ ए ना ए इज इक्वल टू नथिंग बट माइनस ऑफ ए कैसे जैसे ही आप सॉल्व करोगे एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू ऑफ ए हो जाएगा जो कि माइनस ऑफ जी आ जाएगा ये आपको समझना है यहाँ पे एक्सलेशन जो ड्रॉप हो रहा है बॉल उसमें एक्सलेशन क्या है एक्सिलेशन इज नथिंग बट एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो कि एक्ट कर रही है तो यहां पे हम लोगों का एक हम लोगों को इक्वेशन मिल जाएगा इक्वेशन क्या बन जाएगा तो हम लोगों का जो ये हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ डेल एल अपॉन डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल क्यू दिस इज इक्वल टू जीरो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर लेगरेंजियन लेगरेंजियन डायनेमिक्स इसको आपको इसको भी याद रखना है क्योंकि ये कुछ आपके एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं अब हम लोग देखेंगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते कैसे हैं और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं सो वी हैव टेकन अ क्वेश्चन क्वेश्चन ऑन डायनेमिक्स इन दिस अ पार्टिकल ऑफ मास मासव इन पोटेंशियल द पोटेंशियल इज वी हैव टू द कैनोनिकल मोमेंटम दैट इज वी हैव टू फाइंड पी आई हैव टू फाइंड पी आई दी एक्स इज गिवेन वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो अगर कोई भी मास में किसी भी पोटेंशियल मेंस्ट सब्सट्रैक्टिंग स्क्वायर एक्स स्क्वाइनस हाफ एम हाफ एम यू वी स्क्वायर नाउ इन ऑर्डर टू फाइंडम कैनोनिकल मोमेंटम वी है what what was the formula del l upon del q dot here q dot is nothing but del x dot now I have to just differentiate Lagrangian with respect to x dot not x only x dot now after differentiating we will get that it is m x dot minus of m mu x dot how m mu v m mu x dot because here v is v square is written. आप वी स्क्वायर को डॉट का स्क्वायर भी लिख सकते हो जैसे ही आप यहाँ डॉट का स्क्वायर करोगे और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे इवेंचुअली दिस विल कम आउट अगर आप इसको और फर्दर सॉल्व करके लिखना चाहते हो एग्जाम में तो आप इसको एम वी इन वन माइनस मू भी लिख सकते हो दिस इज योर आंसर नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें हम लोगों को लग्रेंजियन तो दिया हुआ है डायरेक्ट दे दिया हुआ है एल इज टू इट दी पावर गामा इन टू ब्रैकेट हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम एक्स स्क्वायर यहां पे हम लोगों को गामा कांस्टेंट दिया हुआ है हम लोगों को कह रहा है कि राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल नाउ इज गिवन हम लोगों लोगों ने बताया था कि अगर आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल लिखना है तो आप लोगों को पहले तो डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट निकालना पड़ेगा डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट क्या हो जाएगा सीधे से आ जाएगा ई e की पावर गामा टी इन एम एक्स डॉट ऐसे ही डेल एल अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा डेल एल अपॉन डेल एक्स भी आपका हो जाएगा ई टू दी पावर गामा टी यहाँ पे इस बार माइनस का साइन रहेगा क्योंकि तो आपका मल्टीप्लाई होगा और जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एमएक्स हो जाएगा अब यहां पे आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ लेग्रेजियन होता है डी बाई डी टी इन टू डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू जीरो आप इसमें वैल्यू तो आप लोगों को डी बाई डी टी ई टू दावर गामा टी इंटू एम एक्स डॉट माइनस यहां पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा तो ई टू दी पावर गामा टी इंटू एम एक्स इज इक्वल टू जीरो नब सॉल्व करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन तो आपको आता होगा पहले आप इसको इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आ जाएगा गामा ई टू दी पावर गामा टी एम एक्स डॉट प्लस एम एक्स डॉट इस बार को डिफरेंशिएट करेंगे तो एम एक्स डबल डॉट हो जाएगा और ई की पावर गामा टी वैसे ही रहेगा प्लस ई टू द पावर गामा टी इन टू एम एक्स इज इक्वल टू जीरो यही आपका इक्वेशन ऑफ मोशन है आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख सकते हो एग्जाम में तो ये आपका आंसर है तो एक लास्ट फाइनल एक और अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं उसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करते हैं लास्ट क्वेश्चन के साथ तो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन जिसमें हम लोगों को लगरेंजियन ऑफ द सिस्टम दिया हुआ टू एम इंटू थ्री एक्स डॉट स्क्वायर प्लस एक्स डॉट वाई डॉट प्लस टू वाई डॉट माइनस एनजीए इसमें इस बार हम लोगों का जो लगरेंजियन है वो एक्स डॉट और वाई डॉट दोनों का फंक्शन है तो इसमें आप लोग चाहें तो इसमें बहुत तरीके से क्वेश्चन बन सकता है पी पूछ सकता है आपसे पी पूछ सकता है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा सिर्फ एक्स डॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेगा और सिर्फ वाई डॉट के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा ऐसे ही आप लोगों का इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम लोगों को निकालना है कुछ क्या पूछ रहा है कि अगर सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट देन एक्स डॉट एक्स डॉट हम लोगों को एक्स डॉट की वैल्यू निकालनी है एक्स डॉट की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे पहले तो आप जानिए हम लोगों को दो चीजें समझ में आएंगी सबसे पहले आपको डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट निकालना है डेल एल अपॉन डेल एक्स आपके पास ऑप्शंस भी दिए हुए हैं आप ऑप्शन से भी चाहें तो एलिमिनेट करके कर सकते हैं एग्जाम में तो ये हम लोगों का आएगा कुछ इस तरीके से प्लस एम वाई डॉट ये हम लोगों का डेल डेल एल अपॉन डेल एक्स डॉट है और डेल एल अपॉन डेल एक्स क्या होगा डेल एल अपॉन डेल एक्स ये हो जाएगा थ्री एम जी एक्स सॉरी थ्री एम जी माइनस माइनस साइन के साथ क्योंकि यहाँ पे माइनस है जैसे ही आप लोग इसका इक्वेशन ऑफ मोशन बनाओगे तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से आपको क्या मिलेगा कि हम लोगों को इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा तो हम लोगों को मिल जाएगा सिक्स एम एक्स डबल डॉट हो जाएगा टी के डीटी के रिस्पेक्ट में एम वाई डबल डॉट हो जाएगा और आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थ्री एम जी एम जी इज इक्वल टू देता हूं थोड़ी देर के लिए अब सिमिलरली हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन वाई के लिए निकालेंगे अब वाई के लिए आप लोग निकालिए कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगी मैं डायरेक्ट यहां पे निकाल के रख रहा हूं कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर वाई जैसे हम लोग निकालेंगे डेल एल अपॉन डेल वाई डॉट और डेल एल अपॉन डेल वाई करके पूरा डिफरेंशिएट करके जब आप निकालेंगे तो आप लोगों को मिलेगा कि ये आ रहा है एम एक्स डबल डॉट प्लस एनजी इज इक्वल टू जीरो हम लोगों का आ गया ये क्वेश्चन टू है अब मुझे लेकिन वाई एक्स डॉट और वाई डॉट का रिलेशन निकालना है एक तरीके से आप समझो तो मैं क्या करता हूं यहां से और यहां से दोनों में से एनजी हम लोगों को निकालना पड़ेगा तो एनजी की वैल्यू मैं इसमें सब्सटीट्यूट कर देता हूं यहां से तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा सब्सटीट्यूटिंग एनजी की वैल्यू फ्रॉम टू इन वन तो हम लोगों को मिल जाएगा सिक्स एम एक्स डबल डॉट प्लस एम वाई डबल डॉट माइनस यहाँ पे एम जी की वैल्यू माइनस हो जाएगी माइनस फोर इंटू थ्री ट्वेल्व एम वाई डबल डॉट माइनस ऑफ थ्री एम एक्स डबल डॉट विच इज इक्वल टू जीरो अब हम लोगों को इतना पता चल गया तो हम लोगों को क्या आ जाएगा यहां से हम लोग x और y के बीच में x डबल डॉट और y डबल डॉट के बीच में रिलेशन आएगा थ्री एम एक्स डबल डॉट इज इक्वेवेट टू एम थ्री एम वाई डबल डॉट जैसे ही आप इसको लिखोगे तो आपका आ जाएगा x डॉट डबल डॉट इज इक्वल टू इलेवन बाई थ्री ऑफ y डबल डॉट अगर मैं इसको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देता हूं और फर्दर हम लोग को कांस्टेंट तो निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पे क्योंकि हम लोगों का अगर हम लोग इंटीग्रेट कर देते तो एक कांस्टेंट आता है खैर लेकिन हम लोगों को का यहां कांस्टेंट के लिए कोई ऐसा टर्म दिया है नहीं ऑप्शन से तो ऑप्शन हम लोग यूज करेंगे तो हम लोगों का जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोगों का जो एक्स डॉट आएगा वो आ जाएगा इलेवन बाई थ्री ऑफ वाई तो जैसे ही आप देखोगे तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा तो इस वीडियो में बस इतना ही होप आपको वीडियो समझ में आई हो पसंद आई हो जो हम लोगों का अगला वीडियो होगा वो होगा कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेमिल्टोनियन इक्वेशन हम लोग हेमिल्टोनियन के बारे में जानेंगे और हेमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे हम लोग डिराइव करते हैं हम लोग पूरा डेरिवेशन देखेंगे उसके बाद हम लोग उससे रिलेटेड आने वाले क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम्स में आते हैं अगर ये आपको वीडियो समझ में आया हो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों साथ ताकि उन लोगों को भी समझ आ, आए आसानी से फिजिक्स की कितनी अच्छी है फिजिक्स और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो